Assalamu alaikum everyone. I hope so you all fit and fine. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और fit and fine होंगे. So guys, welcome to my another video subject verb agreement part 4. आज हम फिर से subject verb agreement part 4 पढ़ने जा रहे हैं. जैसे कि हमने subject verb agreement part 1, part 2 और part 3 clear कर दिए हैं, आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 4 पढ़ने जा रहा हूं. ये लगातार कंटिन्यूअसली मैं ये वीडियोस अपलोड क्यों कर रहा हूं, बार बार वही चीज मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, यही तो वजह है गाइस. आप सबको समझना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. जो भी आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, किसी भी टेस्ट में जब आप अपीयर होते हैं तो ये चीज वहां पर जरूर आती है. क्यों? जो हमारे एग्जामिनर होते हैं ना, वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं. कंफ्यूज करने की कोशिश इसलिए करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है, तो इसलिए बार बार यही टॉपिक दिया जाता है इंग्लिश में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं. गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत प्रीशियस टॉपिक है, कीमती टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप सबको अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप इसका एक एक रूल नहीं पढ़ेंगे. इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसकी बहुत लंबी कहानी है गाइस, ऐसे समझें. आज मैं आपको कुछ और टिप्स पढ़ाने जा रहा हूं. जैसे कि मैंने लिखा सम ऑफ मनी मींस अमाउंट ऑफ मनी, ओके. ड्यूरेशन ऑफ टाइम मींस वक्त का जो ड्यूरेशन होता है, वक्त का तादाद जो होता है. डिस्टेंस इसका मतलब मुफासला होता है, ठीक है गाइस. अब ये चीज क्या होती है, मैं सबसे पहले आपको कुछ सेंटेंसेस बताने जा रहा हूं. जैसे मैंने लिखा है 1 रुपीज, लिखा RS 1 रुपीज, लिखा ऐसे जाता है, बट आपको और आप सबको तो हम कैसे पढ़ते हैं, 1 रुपीज इज इनफ या आर नॉट इनफ. वेरी सिंपल, एक चीज है, 1 रुपी है, तो हमें ऑब्वियसली इजी रखना होगा, हमें सिंगुलर ही रखना होगा, ठीक है. ये जो सारे सेंटेंस हैं इज और आर के हैं गाइस, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. लास्ट तक ये चीज देखिएगा, लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, हर चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, फिर जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी. सो गाइस, जैसे उसके बाद मैंने लिखा है 1 किलोमीटर इज या आर, एक 1 किलोमीटर है, एक ही है, तो हम क्या रखेंगे, इज नॉट इनफ फॉर वॉकिंग के लिए, घूमने के लिए 1 किलोमीटर काफी नहीं है. उसके बाद मैंने लिखा है, अब देखिए ये तो वन हो गया. अगर मैं कहता 20,000 रुपीज, अब 20,000 देखो प्लूरल में ज्यादा हो गए एक से, तो अब आपको क्या यूज करना चाहिए, इज या आर. आप सोचेंगे आर, क्योंकि 20,000 ज्यादा है, नहीं गाइस. जब ये सम ऑफ मनी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, डिस्टेंसेस की बात की जाए, तो आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा एज अ सिंगुलर यूज करना होगा. आप इनके साथ सम ऑफ मनी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, डिस्टेंस, इनके साथ आप कभी भी वर्ब प्लूरल यूज नहीं कर सकते. तो ये आपको अपने माइंड में, ये सम ऑफ मनी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम और डिस्टेंस के साथ आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा. कौन सा होगा, सिंगुलर होगा. तो ये अमाउंट ऑफ क्या है, ये सम ऑफ मनी है, मींस अमाउंट ऑफ मनी है, तो 20,000 रुपीज इज माय मंथली सैलरी, ये मेरी मंथ की सैलरी है, ये है, ठीक है, तनख्वाह आप जिसको कहते हैं. उसके बाद 500 रुपीज सम ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी की बात की जा रही है, हम क्या रखेंगे, इज रखेंगे, इज फाइन फॉर डेली के लिए, मींस रोजाने के लिए, ये 500 मेरे लिए काफी है. उसके बाद मैंने लिखा है कि 20 किलोमीटर, इसका मकसद होता है किलोमीटर, 20 किलोमीटर इज या आर टू डिस्टेंस फॉर डेली वॉकिंग, बहुत ज्यादा है, मींस डेली वॉकिंग के लिए, मींस रेगुलर वॉकिंग के लिए. देखो गाइस, 20 किलोमीटर आपका क्या है,
डिस्टेंस से। तो जब भी ये चीजें आती है तो आपको वर्ब कौन सा रखना होगा, सिंगुलर यूज करना होगा, तो इसलिए आपको इज रखना होगा। वैसे अगर आपको पता नहीं हो, अगर आपको ये इन चीजों के बारे में पता नहीं होता तो आप जाहिर है 20 किलोमीटर को देखकर आप आर ही लगा सकते हैं। नहीं गाइस, ये डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस जब भी बात की जाए तो आपको आपको जो वर्ब रखना होगा वो सिंगुलर रखना होगा, ठीक है। टू डिस्टेंस फॉर डेली। उसके बाद फाइव मंथ्स क्या है आपका, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, क्या है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आप क्या लगाएंगे, इज इनफ फॉर इंप्रूविंग इंग्लिश स्पीकिंग। फाइव मंथ्स जो है वो आपके क्या है, वो काफी है, किस लिए, इंप्रूव स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका सम ऑफ मनी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम और डिस्टेंस, और ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 4। गाइस ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको सम ऑफ मनी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम और डिस्टेंस को ध्यान से देखना है। जब भी इस तरीके के जो सेंटेंसेस आए तो आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 4 को सही से समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आपने इससे कुछ हासिल किया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।